जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि SO ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट आपके मोबाइल में ऐसे ओपन नहीं होगी, आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड के अंदर चलाना है और साथ ही वेबसाइट को डेस्कटॉप वर्जन के अंदर ओपन करना है, तभी आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर पाओगे या फिर इस वेबसाइट को मोबाइल में ओपन सही तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके सामने जैसे ही वेबसाइट आ जाए, आप देखोगे कि इसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है जिसमें कि आप 2 नवंबर 2020 से लेकर 23 नवंबर 2020 तक इस फॉर्म को भर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी बता देता हूं। आपकी जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए वो 850 है, SC ST PH के लिए 175 है। एज लिमिट आपकी जो काउंट की जाएगी वो आपकी 1 नवंबर 2020 तक की जाएगी, जिसमें कि आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। इसके अलावा इसमें आपके टोटल पद 647 निकाले हैं और किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहां पर चेक कर सकते हो और उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहां से चेक कर लीजिए। इनमें जो आपके सामने क्वालिफिकेशन के की जानकारी दी जा रही है पोस्ट के सामने, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो तभी आप उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। तो ये कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और फिर आपको श्योर होकर के कि हाँ आप इस पर एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए किसी भी पोस्ट में, तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फर्स्ट स्टेप आ जाएगा जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपने फर्स्ट नेम को दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और लास्ट नेम को दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वैलिड वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। अल्टरनेटिव नंबर, अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर भरनी है, बट आपको अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस भरना है और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी ईमेल आईडी किस डोमेन के ऊपर है। जैसे कि मेरी gmail.com के ऊपर है तो यहाँ से मैं gmail.com सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से यहां पर एंटर करना है और इस बार आपको पूरी ईमेल आईडी एंटर करनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहां पर जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है, सिक्योरिटी कोड आपको फिल करना है और फिल करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सबको एक बार चेक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर दूसरे स्टेप जिसमें कि फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है वो करना होगा। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी यहां पर देखने को मिल पा रही है और सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है। अब आपको स्कैंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के नीचे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा। मैं यहां पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके आपको दिखाने वाला हूं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर आ जाएगा। अगर आप गाइडलाइन देखना चाहते हो फोटो एंड सिग्नेचर की, आप यहां पर क्लिक करके इसके अंदर देख सकते हो कि आपको फोटो अपलोड करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। अब यहां पर आपको सेम तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको चूज करना है और इसको ओपन कर लेना है। तो यहां पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा। अब इसको चेक करने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्टेप के अंदर आ जाओगे जो कि है स्टेप 3, जिसमें कि आपको बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज और प्रेफरेंस की जानकारी देनी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी जानकारी को भरते हैं। तो यहां पर बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको पोस्ट चूज कर लेनी है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। तो चलिए हम यहां से ये पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहां से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबो, क्या आप विकलांग है जिसमें कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यहां पर यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना होगा और जो विकल्प दिए जा रहे हैं ये भी आप ही को चूज करने, अगर आप यहां पर विकलांग के ऑप्शन में यस करते हो।
बट अगर आप नो करते हो तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन की जानकारी नहीं देनी है। जो जानकारी आपको देनी है वो आपकी स्टार्ट होगी आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 योट, यानी कि जो क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे। अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वही आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। आर यू एन एक्सर्विसमैन, क्या आप एक्सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। फिर आर यू स्टिल सर्विंग, अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है कि क्या आप अभी भी सर्व कर रहे हो डिफेंस में। इसके बाद अगर आप यस करते हो यहाँ पर भी तो आपको डेट ऑफ रिलीज या फिर रिटायरमेंट की जो सर्विस है उसकी डेट देनी होगी। हैव यू ज्वाइंड ए गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट्स गिवन एज एन एक्सर्विसमैन, अगर आपने किए हैं बेनिफिट्स अवेल तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट क्वासी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप कर रहे हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWESPL अर्लर, अगर आप उसमें भाग लिए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों कितने अटैम्प्ट आपने किए हैं वो आपको चूज करना होगा, और साथ ही आपको यहाँ पर अटैम्प्ट अर्लर आपने कौन सा अटैम्प्ट पहले किया था वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। अगर नहीं किया तो यहाँ पर नो कर दीजिए। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट यूटी टू विच सेंटर एग्जाम सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग्स, आप किस स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो आपको चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर आप इन लोकेशन में से सेंटर कहाँ पर रखना चाहते हो वो आपको चूज करना है, और जो मेन एग्जाम का सेंटर है वो आप इन लोकेशन में कहाँ पर रखना चाहते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ, और इसके बाद जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है और जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से अनमैरिड सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है फादर नेम, तो जो भी आपका फादर नेम हो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स नेम यानी कि माता जी का नाम भरना है। अगर आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड के अलावा अन्य कोई स्टेटस चूज करते हो तो आपको यहाँ पर स्पाउस यानी कि पति या पत्नी का नाम देना होगा। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर भरना होगा, और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। फिर आता है एड्रेस लाइन 2 और 3, अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको खुद से एंटर करना है, और स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। पिन कोड आपके डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का क्या हो यहाँ पर आपको भर देना है। नीचे है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, या क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही सॉरी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, अगर है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने दे करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर सकते हो। फिर आपको चूज दी एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग है वो आप किस एड्रेस पर भेजना चाहते हो आपको चूज करना है। ये सब करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको एक बार चेक करना है, और फिर नीचे आकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आर यू ए ग्रेजुएट, क्या आप ग्रेजुएट हो, तो यहाँ पर आपको यस नो के अंदर आंसर देना है। इसके बाद इसमें ग्रेजुएशन के में आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज करनी है, अगर आपकी इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके अलग से उसको एंटर कर दीजिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने का था, 4 ईयर या फिर 3 ईयर्स, वो आपको भरना है। डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो यहाँ पर आपको भर देनी है। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी देने होंगे। आपकी क्लास क्या आती है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया है तो यहाँ पर चूज कर लीजिए कि किस डिसिप्लिन के अंदर किया है, और जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो भरना है, और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भर देनी है। फिर हैव यू पास्ड DOEACC लेवल एग्जामिनेशन, अगर आपने किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद यहाँ पर है वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी, अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर यानी कि उस बंदे या फिर उस कंपनी का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर आपने काम किया वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है, और किस डेट से आपने वर्क ज्वाइन किया था वो यहां पर आपको डेट मंथ ईयर चूज करना है। अगर आप अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हो तो यहां पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर आपको 2 कॉलम के अंदर वो जानकारी भरनी है कि जब तक आपने वहां पर काम किया है। नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या थी वो यहां पर आपको इस कॉलम के अंदर थोड़ा शॉर्ट में बता देना है, और रीजन ऑफ लिविंग किस वजह से जॉब छोड़ी वो भी आप यहां पर थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। नीचे आती है अदर डिटेल्स, जिसमें क्या है
रादर एनी प्रोसिक्यूशन डिफेंसन द फाइन कन्विक्शन। बेसिकली यह है कि क्या आपके ऊपर कोई कैसा कोई केस है या फिर आपके ऊपर कोई FIR है, अगर है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको भरनी है, जैसे कि हिंदी यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। रीड करनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर इंग्लिश फिलअप कर दिया है और इनके ऊपर टिक कर दिया है। थर्ड लैंग्वेज अगर आपको कोई होती आती है रीजनल लैंग्वेज, वो आप यहाँ पर फिलअप करके उसके अनुसार यहाँ पर इन स्टेटस को चूज कर सकते हैं। ये सब जानकारी यहाँ पर आपको फिल करने के बाद चेक करनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रेफरेंस आ चुकी है, जिसमें कि आपको एक तरफ है ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस, फिर है आप। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रेफरेंस की जानकारी आ चुकी है, यानी कि आप किस बैंक को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो, आपको यहाँ पर चूज करना है। ये सभी बैंक इस भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको इनके ऊपर टिक करने के बाद ये चूज करना है कि हाँ पहले नंबर पर आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, सेकेंड पे किसको और थर्ड पे किसको, इस प्रकार से इनको काउंट किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी दी हुई है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई जानकारी गलत है या आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते तो अभी भी कर सकते हैं। साथ ही आपको जानकारी को चेक करते हुए आई कन्फर्म डैट दिस इज माई फोटो, इसके नीचे राइट क्लिक करना है, जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है। फिर नीचे आकर के यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई विल नॉट बी ए स्क्राइब इन द एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी फॉर दिस प्रोसेस, ये आपको टिक करना है। यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक करना है, आई कन्फर्म डैट दिस इज माई सिग्नेचर यहाँ पर टिक करना है, और टिक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अपलोड्स का कॉलम आएगा, जिसमें कि आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो पहले तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपने अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन रखा है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको क्या करना है, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, उसके ऊपर अपना लेफ्ट थंब लगाना है, और उसको लगाने के बाद स्कैन करना है, और फिर स्कैन करने के बाद उसको यहाँ पर इमेज के फाइल में बना करके अपलोड कर देना है। फिर आता है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। आपको एक ब्लैंक पेज यानी कि कोरा कागज लेना है, उसके ऊपर लिखना है कि आई अमजद मलिक यानी कि जो भी आपका नाम है वो यहां पर आपको रिप्लेस कर देना है। हर्बे डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको ये लाइन खुद से रिटर्न करनी है, और नीचे आपको सिग्नेचर भी कर देना है ताकि लगे रिटर्न की है। इसके बाद आपको स्कैन करना है, और फिर आपको उसको फाइल के रूप में यहां पर अपलोड कर देना है, जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड है आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको आपकी फीस का अमाउंट दिया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर जो नीचे कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे आप फीस किस भी माध्यम से कर रहे हैं, अगर आपके सामने ये एरर आता है कि आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो गई है बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हुई है, वहाँ पर फेल्ड आ रहा है या फिर पेंडिंग आ रहा है, तो आपको इस समय फीस दोबारा से तुरंत जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है, या इस समय के अंदर भी अपडेट नहीं होती तो आपको कम से कम लास्ट डेट तक ही रुके रहना है, क्योंकि अगर आप दोबारा से फीस जमा करोगे तो फीस आपकी दोनों बार की चली जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं की जाएगी। बट अगर आप वेट करोगे तो मे बी वो टेक्निकल एरर है वो क्लियर होने के बाद या तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड आएगी, नहीं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर TAN ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।